मेरा नाम अरसलान अयूब किला है, मैं गवर्नमेंट यूपीआई से ताल्लुक रखता हूं। हमको स्कूल बिल्डिंग की कमी है और यहां पर चार क्लासें हैं, 460 बच्चे यहां लग। मेरा नाम अरसलान अयूब किला है, मैं गवर्नमेंट यूपीआई से ताल्लुक रखता हूं। हमको स्कूल बिल्डिंग की कमी है और यहां पर चार क्लासें हैं, 460 बच्चे यहां लगभग 60 बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। उसमें से 60 में से किचन भी है, किचन में भी बच्चे पढ़ते हैं। हमारी क्लास में तीन क्लासें हैं और हमको भी डिस्टर्ब होता है और टीचर्स को भी डिस्टर्ब होता है। हमको एक ग्राउंड भी चाहिए क्योंकि हम लोगों के बागों में सड़कों में खेलते हैं और उससे हमें गालियां भी पड़ती हैं। वालेकुम, मेरा नाम रूफ अहमद किला है, मैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल से ताल्लुक रखता हूं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं, हमें एक स्कूल चाहिए। यहाँ पे हमें स्कूल छोटा सा स्कूल है, किचन में पढ़ाते, टोटल चार क्लास हैं, दो तीन क्लास एक ही क्लास में बैठते हैं। हमें डिस्टर्ब होता है बहुत, वहाँ पे पढ़ाने के लिए जगह भी नहीं है, स्कूल को क्रेक आ चुकी है बहुत यहाँ से, और ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए। हम लोगों के बागों में खेलते हैं, ग्राउंड भी नहीं है। हमें स्कूल चाहिए, यहाँ पे स्कूल की जगह बहुत कम है, आप खुद देख सकते हैं, ग्राउंड भी कम है यहाँ। हम जनाब मोहम्मद सदीक है, मैं यहीं का रेजिडेंट हूँ। ये जनाब प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल है गुजर बस्ती करेवा द्रव गाँव में। जनाब इसका मसला है, इसमें बिल्डिंग कोई नहीं है। प्राइमरी बिल्डिंग बनाई थी उस वक्त तीन कमरे हैं बिल्डिंग के। बच्चों का रोल है तकरीबन 60 अबो, दो क्लास एक एक कमरे में एडजस्ट किए गए हैं। मेहरबानी करके इसको बिल्डिंग दी जाए। ज़मीन अवेलेबल है यहाँ पर, कचराई भी है काफ़ी, गवर्नमेंट लैंड भी काफ़ी है। अगर आबाद ज़मीन में से गवर्नमेंट चाहे तो वो भी ले सकती है, उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन ये बिल्डिंग का कुछ होना चाहिए, बिल्डिंग नहीं तमीर होनी चाहिए।